Yes. तो Can I come in? मैं बाद में बात करता हूँ. नाराज है क्या मुझसे? नहीं, आओ बैठ. थैंक यू. तो फिर बगैर नाश्ता के क्यों आ गए? मीटिंग थी. I'm sorry. मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था. I'm really sorry. पता नहीं मेरे दिमाग में. अगर कहने से पहले सोच लिया होता तो सॉरी कहने की नौबत ही ना आती. खैर, तुमने जो भी सोचा मेरे बारे में या जो भी कहा उसमें तुमने मेरा भला सोचा. मियां बीवी का ताल्लुक ऐसा ही होता है, दोनों हमेशा एक दूसरे का भला ही चाहते हैं. ऐसे में तुम्हारी अच्छाई समझाऊं या बढ़ाई, बात तो यही है. इसलिए मैं भी एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ये तुम्हारा मेरा जो ताल्लुक है बहुत मायने रखता है मेरे लिए. दिलनशीन मैं कभी भी नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई एक जरा सी भी दरार है. मैं समझ सकता हूं इस बात को. तुम्हारे लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि मेरे माजी का प्यार तुम्हारी नजरों के सामने है, तुम बर्दाश्त करती हो. हाँ, महमल की जिंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं जो मुझे ही हल करने, एक कजन की हैसियत से. ना उसकी हैसियत मेरी जिंदगी में बदलेगी और ना कभी तुम्हारी, क्योंकि जब तुम मेरे साथ सच्ची हो तो कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूं. ना मुझे झूठ बोलना पसंद है ना ही सुनना, इसलिए तो तुम पसंद आई मुझे. अगर मैं चाहती तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला सकती थी, क्योंकि तुम जैसी लड़की जिसका माजी में कोई अफेयर रहा हैदर ना तो अपनी जिंदगी में बर्दाश्त कर सकता था और ना ही अपने घर में. दिलनशीन, तुमसे शादी करने की बहुत बड़ी वजह यह भी है मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द. तुम्हारे माजी का अफेयर तुम्हारे हाल को जहन्नुम बना सकता है. दिलनशीन जी, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, चले बैठो. पहली दफा ऑफिस आई है, सबसे मिलवाऊंगा तुम्हें, ऑफिस दिखाऊंगा, फिर जहां बोलोगी ले चलो. प्रॉमिस. नहीं अम्मी, ये महज इत्तेफाक नहीं है, इसमें जरूर दिलनशी की कोई ना कोई प्लानिंग है. मैं मान ही नहीं सकता कि ये इत्तेफाक है. आप खुद सोचें, एक बुटीक में उसी वक्त रिदा और दिलनशी का मिलना, महमल का पहुंचकर सारी बातें सुन, और ये बातें उसने सुनी नहीं है बल्कि उसे सुनवाई गई. जो कुछ भी कर रही है दिलनशीन बहुत सोच समझ कर रही है, ताकि जबरदस्ती के रिश्ते का जो फंदा हमने उसकी गर्दन में लगाया था उससे वो आजाद हो सके. यावर, दिलनशीन ऐसा कुछ नहीं कर सकती. बहुत परेशान लग रही थी अम्मी वो. जाहिर है अगर ये खबर तुम्हें गुड न्यूज की तरह सुनाई जाती तो तुम्हारा रिएक्शन ये ना होता. या तो इस सबके पीछे दिलनशीन का नहीं हमसा का दिमाग है. क्या पता कि वो यहां से गया ही ना हो. सोचें जरा, अगर ये सब सच होता तो दिलनशी बहुत आराम से हैदर भाई को सारी बात बता के मैटर को सॉल्व कर लेती. उसे परेशान होने की या मुझे बताने की क्या जरूरत. ये सब उसने हमारा दिमाग बनाने के लिए कोशिश की, खुद को साफ बचाने के लिए उसने सारा मलबा हैदर पे डाल दिया.
हैदर के माजी को निशाना बना के वो एक तीर से दो शिकार कर रही। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिलनशी ने इस रिश्ते को शुरू ही दिन से कबूल नहीं किया। वो हमारे कहने पर मजबूर होकर गई जरूर थी, लेकिन उन लोगों से रब्ता नहीं तोड़ा था। पहले तो शायद मैं ना जाती, लेकिन अब मुझे जाना पड़े। उसे भी तो पता चले जो खेल वो खेल रही है हमारे सामने खुल चुका है। हाँ, खाना इनका बहुत मजे का होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम डिजर्ट जरूर ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ। आ गई दिलनशीन। दिलनशीन, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये है रिदा, दिलनशीन की पुरानी दोस्त। हैदर नाम है मेरा। रिदा, नाइस मीटिंग यू। आप लोग कंटिन्यू कीजिए और मैं इजाजत चाहूंगा, थोड़ा सा कुछ काम। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे अब याद आया कि मैंने तुम्हें कहां देखा था। दिलनशीन की रस्म पे आई थी ना अपनी फैमिली के साथ। जी आंटी। तो फिर तो तुम भी फैमिली हुई। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने अरसे के बाद तुम दोनों दोस्तों की मुलाकात हो गई। दिलनशीन मेरी दोस्त नहीं है आंटी। दिलनशीन ने मुझे धोखा दिया है। रिदा प्लीज, मेरा घर बर्बाद मत करो। प्लीज मत करो। मैं तुमसे नाराज हूं। शादी के बाद तो तुम हम सबको भूल ही गई। तुम्हें कोई भी याद नहीं आता, मॉम डैड और वो। तुम कहो तो मैं माफी मांग लेती हूँ। मैं कान पकड़ के माफी मांग लेती हूँ। कान पकड़ के माफी मांगने से क्या मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अच्छा चलो, अब बस भी करो, खत्म करो नाराजगी। चलो फिर से एक दफा अच्छी तरह से गले लग जाओ। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आंटी आप जरूर आइएगा मेरे घर, मेरे डैड मॉम आप सबसे मिलेंगे। जरूर बेटा, बिल्कुल आऊंगी। दिलनशीन तुम्हारी दोस्त है और अब तो रिश्तेदारी भी हो गई। ओके, सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अरे दिलनशीन, बाहर तक सी ऑफ नहीं करोगे अपनी दोस्त को? हाँ जाओ बेटा। एक्सक्यूज मी दाई। रिदा प्लीज, रिदा मेरी बात सुनो। रिदा खुदा के लिए मेरी बात सुनो। खुदा के लिए प्लीज प्लीज, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मेरा घर बर्बाद मत करो। अपने घर की कितनी फिक्र है ना तुम्हें, और मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके तुम अपने घर में अपने शोहर के साथ कितना खुश हो, और यही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तुम देखना दिलनशीन, जो तुमने किया है वो तुम्हारे सामने जरूर आएगा। Just wait and watch. चली गई। वैसे अगर तुम चाहो तो उसे कन्विंस कर सकती हो अपने। रिदा का नंबर है मेरे पास, अगर तुम चाहो तो
तुम्हें दे सकती हूँ, क्योंकि यकीनन तुम्हारे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा। अक्सर लड़कियाँ शादी के बाद रिश्तों की तरह नंबर भी चेंज कर लेती हैं। उन्हें लगता है कि पुराने कॉन्टैक्ट डिलीट करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्र बहुत कम है तुम्हारी और तजुर्बा भी, बस इसीलिए नरमी बरत रही हूँ तुम्हारे साथ, वरना एक सेकंड मेरे सामने रुक नहीं सकती तुम। क्या हुआ खैरियत जी? क्या हुआ, तुम ठीक हो? जी, I'm fine. नहीं लग नहीं रही हो। क्या हुआ है? मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? आपको खो देने का डर। प्लीज दिल नशे नहीं है, डर खौफ अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। अमल ने जो कुछ मेरे साथ किया मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जानता हूं इस तकलीफ को, इस दर्द को। कई साल तक इस दर्द से रोज जिया हूं, मरा हूं मैं। मुझे उसकी नजरों से डर लगता है। मम्मी कहते हैं कि नजरें खा जाती हैं घरों को, खुशियों को। कोई नहीं खा सकता किसी की खुशी, नसीब की बात होती है दिलनशीब। जिसके नसीब में जो जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है, ना कम ना ज्यादा। वैसे भी सब कुछ तो आसमानों पर लिखा गया, बताया ये पाए कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। Yes. शुक्र है, पुराने रास्ते पे तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, वरना मुझे तो लगा था
नई मंजिल पाके तुम पुराना सब कुछ भूल गए। क्यों कर रही हो ये सब? मैंने क्या किया? दिल की ख्वाहिश को दिमाग के कहने पे रद्द करने का हौसला बार बार जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है, पर महमल तुम बार बार जो उसे मुश्किल में डाल रही हो। तो निकाल लो ना खुद को इस मुश्किल से। क्यों अजियत में रहो तुम? तकलीफ में रहूं मैं? क्योंकि नसीब में यही लिखा है, ना तुम मुझे मिलो और ना मैं तुम्हें। महमल, जब जुदाई तकदीर में लिखी हो ना, तो तदबीर भी उसको कारगर नहीं कर सकती। मैं नहीं मानती ऐसी तकदीर को, और ना ही मैं हार मानूंगी। मैंने मान लिया हार अपने नसीब से। तकदीर की लकीरों में उलझकर नहीं सुलझा सकता जिंदगी की उलझी गुत्थी को। महमल, जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दो, मत पढ़ो बीच में। बीच में पढ़ूंगी तभी तो तुम्हें लेके सिरे तक पहुंचूंगी। अब ऐसा मुमकिन नहीं है महमल। कल दिलनशीन ने हमारी बातें सुन ली थी और बहुत डिस्टर्ब हुई इसकी वजह से। मेरी परेशानी नजर नहीं आती, उसकी परेशानी में परेशान होकर मुझसे बात करने आ गए। हाँ तो क्या करूं, क्या करूं? बीवी है मेरी, वो उसकी परेशानी को खत्म करना जिम्मेदारी है मेरी। मत आओ बीच में, नहीं प्लीज नहीं। हैदर, आज तुम दिलनशीन को इसकी अम्मी से मिलवा लाओ। जी छोड़ दो। छोड़ने का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करो, मिलवा लाना। तुम भी साथ जाओ। ये जरा बटर पास करना प्लीज। तायमी, रिदा कैसी लगी आपको? अच्छी लड़की है, मगर मुझे लगता है दिलनशीन वो ऐसे नहीं मानेगी। तुम्हें उसके घर जाना चाहिए, बल्कि हैदर को भी साथ ले जाओ, अच्छा ही सिफारिश कर देगा। मुझे इस मामले से दूर रखें। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी इसके साथ। बल्कि ऐसा करना, बताना भी नहीं, बगैर बताए जाएंगे सरप्राइज। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैंने नाश्ता कर लिया, मैं तैयार हो क्या थी।
बेटा, छोटी छोटी बातों पे घबराना नहीं चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। और जब यकीन हो अपनी हार का तब? तो फिर अपनी सोच को बदलना चाहिए और ताजा दम होकर फिर लड़ते हैं। अरे दोस्त है तुम्हारी बेटा, मान जाएगी, परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी अम्मी के यहाँ जाने के लिए मैंने इसलिए कहा था क्योंकि लड़कियों के लिए मैका जो है ना, वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करता है। तुम फिर से ताजा दम होकर वापस आना। घबराती क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं करूंगी तुम्हारी सिफारिश। अरे ये क्या, अरे तुम रोने लगी? रोते तो कमजोर लोग हैं, तुम ना तो कमजोर हो और ना ही ना समझ। अरे दोस्त के नाराज होने में तुम्हारा ये हाल है तो आगे क्या करोगी? अभी तो जिंदगी में बहुत बड़े बड़े इम्तिहान हैं जिनसे लड़ना है और जीतना है। जाओ, हैदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है बाहर, जाओ। शाबाश, खुदा हाफिज। खुदा। बी ब्रेव। दिलजीन, मैसेज किया तुम, चेक नहीं किया? सबूत मांगा था ना तुमने, रिदा को लाके घर बिठा दिया और फिर ये तस्वीर। सोचो ये तस्वीर अभी सिर्फ तुम्हें भेजी है। अगर हैदर को भेज दूं तो? आप ऐसा नहीं कर सकती। कुछ भी कर सकती हूं, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। मैं लड़ी हाँ, लेकिन तुम डिफेंसिव पोजीशन में, इसीलिए कह रही हूं कि चुपचाप कदम पीछे हटा, हो सकता है कोई बचत हो जाए। अब जा रही हो ना अपनी अम्मी के घर, तो वहां आराम से सोचना कि क्या करना। जीत तो मेरी होगी हर हाल में। भाभी जी, आपको हैदर भाई बाहर बुला रहे हैं। जाओ। और अब जा रही हूं तो कोशिश करना कि वापस लौट के ना, क्योंकि अगर आई तो हैदर के हाथ वापस लौटा दी जाऊंगी। आ रही हूँ।
अस्सलामुअलैकुम दादी। वालेकुम सलाम। अकेली आई हो? हाँ, हैदर छोड़ के गए हैं। बात सुनो, अपने रूम में बैठने के लिए आई हो, हमारे साथ नहीं बैठोगी? भाभी सर में बहुत दर्द है, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। वैसे अम्मी कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रही। बाहर सौदा लेने गई है। वैसे अम्मी और यावर तुम्हारे घर ही आने वाले थे। क्यों? तुमसे बात कर रहे। किस सिलसिले में? रिदा और महमल के इशू को लेकर। वो इशू ऐसे सॉल्व नहीं होगा। फिर कैसे सॉल्व होगा? दिल पता नहीं सॉल्व होगा भी या नहीं, ये भी नहीं पता। भाभी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हेलो, अंदाजा था मुझे कि तुम मुझे जरूर कॉल करोगी। अम्मी वो दिलनशी आई है अपने कमरे में। वो भी सब कुछ कर रही हो, वो बहुत गलत है। तुमने जो मेरे साथ किया है, मैं ठीक वही तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। रीता तुम मेरा यकीन करो, मैंने हमजा को धोखा नहीं दिया। झूठ मत बोलो। तुमने इस्तेमाल किया है हम दोनों का। पहले मुझे इस्तेमाल किया, अपने सारे शौक पूरे किए, और फिर मेरे भाई के पीछे लग, उसको अपनी राह पे लगा दिया, और फिर अपनी मंजिल कोई और बना ली। तुम्हें अंदाजा भी है दिलनशीन के मेरे भाई का क्या हाल, क्या गुजरती है हम पे ये सोच सोच के कि वो तुम्हारी वजह से ड्रग्स करने लगा है। क्या पता, अल्लाह ना करे अगर उसकी जान चली जाए ड्रग्स ओवरडोज की वजह से, तो फिर कौन जिम्मेदार हो? तुम्हें कैसे समझाऊं कि इस शादी में ना मेरी मर्जी शामिल थी और ना ही खुशी। मैं तो आखिरी वक्त तक यावर भाई को मिन्नतें करती रही कि मेरी ये शादी ना करे, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मुझे खुद बता कि मैं ठीक है। यावर का शक सही निकला। मम्मी आप गलत समझ रहे हैं। गलत तो मैं उस वक्त समझ रही थी जब मेरा ख्याल था कि मेरी बेटी एक शरीफ लड़की है, जिस खूंटे से मैं बांधूंगी उसी से बंधी रहेगी सारी उम्र। ये मालूम नहीं था कि उसी खूंटे को उखाड़ कर फेंकने वाली है। एक लड़के के चार दिन के प्यार में उसकी अपनी माँ के सर में खाक डाल रही है, अपने शौहर की इज्जत रोल रही है। मैं अब मेरी बात सुने, महमिल मेरे पीछे। चुप, किसी बात का यकीन नहीं मुझे। अब आगे एक लफ्ज़ मत बोलना। हाथ मत लगाओ मुझे। जैसी नाफरमान औलाद होने से तो बेहतर था मेरी बेटी ही ना होती, तो मैं इज्जत से मर तो सकती कम से कम। देख दिलनशी, जैसा तू सोच रही है वैसा मैं होने नहीं दूंगी। और मेरी बात याद रख, अगर तुम्हें रिदा के साथ मिलकर कोई खेल खेला ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। तेरी जान अपने हाथ से ले लूंगी। अम्मी क्या कर रही है? हाथ से मर जाएगी वो। मर जाए, मर जाए। दिलनशी बेहतर होगा कि यावर के आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। अम्मी को तो मैंने रोक लिया, लेकिन यावर को नहीं रोक सकती मैं।
हेलो सॉरी मैमल, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे दिलनशीन को पिक करने जाना है। वो घर आ चुकी है। हाउ कम? उसने तो मुझे कहा था कि मैंने उसे शाम में पिक करना है। ऐसी लड़कियों का वजूद घर में भी बर्दाश्त नहीं होता। बस कर दो मैम, मैं अपनी बीवी के बारे में एक बात नहीं सुनूंगा। उसका किरदार उसके दिल की तरह साफ और शफाफ है। बहुत बड़ी खुशफहमी है तुम, बल्कि यूं कहो कि गलत फहमी है। आज की दुनिया में कुछ भी शफाफ नहीं मिलता, बल्कि होता ही नहीं। और वो तो फिर भी लड़की है, खूबसूरत लड़की। कितने लड़कों ने उसे अप्रोच करने की कोशिश की होगी। मैमल, स्टॉप दिस। कितनों को इनकार किया होगा उसने, कितनों के दिल तोड़े होंगे। खुदा के लिए चुप कर जाओ। और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिसका बढ़ता हुआ हाथ उसने थाम लिया होगा। What's it? Stop this nonsense. मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपनी बीवी से पूछो हमजा कौन है। कौन है ये हमजा? ये तो तुम अपनी बीवी से पूछो, वही बेहतर बता सकती है कि हमजा कौन है। बहुत अच्छी तरह से जानती है वो हमजा को। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो बीवी के माजी को लेकर उसको कटहरे में खड़ा कर देते हैं। मैं कुछ नहीं पूछूंगा दिलनशीन से। अच्छा, तो मुझसे इतना चौंक कर क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि ये बात तुमने कही है, इसलिए। और मुझे इस बात पर कोई इनकार भी नहीं। अगर तुम चाहो तो दिलनशीन के मुंह पर भी ये बात करने को तैयार हूं मैं। बीवियां अक्सर शादी के बाद अपने अफेयर को छुपाने पर मजबूर होती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें तो नई कहानियां शुरू हो जाती हैं। ऐसी कहानियां जिनमें से औरत के किरदार को सबसे पहले निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, और वो बेचारी अपने महबूब को दिल में बसाए शौहर को सानवी किरदार दे डालती है। अब ये तो तुम अपनी बीवी से ही पूछो कि तुम उसकी जिंदगी का मरकजी किरदार या सानवी। Enough, enough. तुम कैसे जानती हो हमजा के बारे में? जैसे दोस्त की हर गलती को माफ कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे दुश्मन की हर कमजोरी पर नजर रखी जाती है। तुम तो दिलनशीन को अपना दोस्त समझते हो, इसलिए नहीं जान सके। पर मेरे लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है, इसलिए पता चलवाया मैंने उसकी कमजोरी का।